Hello students, so today our next topic in DCN is domain name system in application layer. So as we have already started studying about the application layer, so domain name system जो है हमारा वो भी application layer में ही आता है, क्योंकि जब हम application layer पे काम करते हैं तो वहां पर हमारा domain system जो है वो वर्क करता है. सो अब ये होता क्या है, डोमेन नेम सिस्टम जो है ये होता क्या है. सो बेसिकली जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो जो भी हमें सर्च करना होता है, जो भी हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं या हम जो भी यूआरएल डालते हैं अपने एड्रेस में, हम उसको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग डालते हैं. जैसे हमने google.com किया, ओके. सो google.com क्या है, ये जो इसका नेम है वो डोमेन नेम है, क्योंकि इसका जो एड्रेस होगा वो क्योंकि कंप्यूटर को इंग्लिश समझ नहीं आती है, उसको अपनी ही लैंग्वेज 01 समझ आती है. और जो इनका एड्रेस होता है वो डोमेन नेम जो है उससे सेव नहीं होता है, जो एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस से सेव होता है. ओके, सो इसमें होता क्या है कि डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जो ह्यूमन नेम होता है, ह्यूमन ने जो नेम दिया हुआ, जैसे google.com है, उसको ह्यूमन ने नेम दिया है, तो वो हमें याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है रादर देन आईपी एड्रेस. अब इतने सारे वेबसाइट्स हम यूज करते हैं, उन सबका आईपी एड्रेस तो हम याद रख नहीं सकते हैं. सो हमें क्या होता है कि नेम याद करना थोड़ा इजी हो जाता है फॉर ह्यूमंस. सो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसका नाम याद रखते हैं, हम उसका नाम एंटर कराएंगे और डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा आईपी एड्रेस में, एंड देन वो आपको आपका जो कंटेंट आपका है वो आपको सर्च करके देता है. ओके, सो इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि डोमेन नेम इज यूज्ड टू मैप ऑन अलायंस एड्रेस टू आईपी एड्रेस, ओके, डीएनएस इज यूज बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर मैपिंग. सो अगर हम बात करें बहुत अर्ली स्टार्टिंग एज की, जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज्यादा वेबसाइट्स उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, राइट. तो क्या होता था कि हमारे पास एलियस नेम होते थे, जो कि हमने google.com, gmail.com, facebook.com इस टाइप से जो हमने नेम दिए हुए हैं वो होते हैं, एंड देन उनका आईपी एड्रेस, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस होता है, इनका एक टेबल बना हुआ होता था कि जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया एबीसी, उसका आईपी एड्रेस 192.. समथिंग समथिंग है, एंड अनदर इज xyz जिसका की आईपी एड्रेस जो है वो 225.. XYZ, इस टाइप से इनका कोई आईपी एड्रेस है. ओके, तो इस तरह से क्या होता था, एक टेबल फॉर्म होता था. तो जब भी किसी क्लाइंट को कोई वेबसाइट सर्च करनी होती थी वो उसका नाम लिखता था और इस टेबल से उठ के उसका आईपी एड्रेस जो है आपको मिलता था. बट अब जब इतना ज्यादा, सॉरी इसकी वर्किंग मैं बता दूं, जैसे सपोज एक क्लाइंट है, उसको एबीसी वेबसाइट है, वो उसको एक्सेस करनी है. अब ये क्या करेगा, अपने यूआरएल में जाके abc.com समथिंग जो भी इसका नाम है वो लिखेगा. जैसे ही ये एंटर कराएगा तो ये क्या होगा कि आपका जो टेबल है, जो आपकी टेबल फाइल है जहाँ पे आपके आईपी एड्रेसेस स्टोर है, ये वहां पे जाके एक्सेस करेगा और वहां से इसका आईपी एड्रेस के पास जाएगा और आईपी एड्रेस पे जो भी कंटेंट वहां पर होगा ये वो आपको प्रोवाइड करा देगा. ये इसकी वर्किंग थी. देन अब क्या हुआ, इसके बाद में जब ये इंटरनेट हम बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज करने लगे और हर चीज के लिए वेबसाइट्स आ गई, तो अब ये टेबल मेंटेन करना बहुत इजी नहीं रह गया, क्योंकि आपको मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स और उसका आईपी एड्रेस अगर इंसर्ट कराना है टेबल में तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो अब इसमें क्या हुआ, डीएनएस मेथड ने क्या किया कि जो पूरी इंफॉर्मेशन थी, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी, इसको डिवाइड कर दिया स्मॉलर पार्ट्स में और अलग अलग कंप्यूटर्स में उसको सेव कर दिया. ठीक है, अब जैसे सपोज करें कि हम अगर ये नहीं करते और ये टेबल ही फॉर्म्ड रहता, सो इस टेबल फॉर्म में क्या होता, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती तो सारे वेबसाइट्स जो थे वो खराब हो जाते, सबका आईपी एड्रेस, तो ये फिर इंटरनेट एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि अगर टेबल में कुछ भी एरर आया तो वो थ्रू आउट एरर आ जाएगा पूरा इंटरनेट पे. सो अब क्या हुआ, इसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो अलग अलग कंप्यूटर्स पे शेयर कर दी. अब इसके बाद क्या होता है, जब भी कोई होस्ट होता है उसको किसी भी एड्रेस पे जाना होता है तो वो क्या करता है, जो भी उसका क्लोजेस्ट कंप्यूटर होता है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है वो उससे कॉन्टेक्ट कर लेता है. तो यही जो है डीएनएस मेथड होता है. अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, इसकी रिक्वायरमेंट किस लिए पड़ी, क्योंकि जब भी कोई
होस्ट होता है उसको आईपी एड्रेस याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो उनको नेम जो है, जो हम अब होस्ट कौन है, होस्ट हम यूजर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं. सो हमें क्या होता है, आईपी एड्रेस याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. जैसे सपोज करें हम एक एग्जांपल लें इसका, कि आपका फोन है, उसमें फोन बुक होती है राइट. तो आप क्या करते हो कि आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिली मेंबर्स का, रिलेटिव्स का जो नंबर होता है, जो फोन नंबर होता है, वो आप उसमें स्टोर कर लेते हैं राइट. तो आपको हर बार सबके नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली क्या करते हैं, आप उस नेम पर गए और आपने कॉल कर दिया. अब यहाँ पे इसको आप लिंक कर सकते हो कि उसने क्या किया, जो नेम था उसका नंबर लिंक है उससे, तो वो क्या करेगा, नेम पे तो कॉल नहीं करेगा ना, नंबर पर ही कॉल जाएगी आपकी. सो इसी तरह से आपका जो डोमेन नेम सिस्टम होता है ये काम करता है, कि आप सिर्फ नेम पे क्लिक करते हैं और वो आपको जो उसका आईपी एड्रेस होता है वहां से आपको डेटा ला करके देता है. ओके, सो नेक्स्ट, डीएनएस इन द इंटरनेट. अब ये इंटरनेट पे कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं. ओके, सो ये हमने इसको थ्री पार्ट्स में, थ्री सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट इज जेनरिक, जेनरिक डोमेन, कंट्री डोमेन एंड इनवर्स डोमेन. सो अब ये कैसे वर्क करते हैं, इनका क्या काम होता है, कि जो जेनरिक है वो उसके जो जेनरिक डोमेन, मतलब कि जो उसका जनरल बिहेवियर है, जो उसका बिहेवियर है, उस टाइप के डोमेन्स होते हैं ये. जैसे कि अगर हम देखें कि कमर्शियल, हम बहुत सारी वेबसाइट्स यूज करते हैं जिनमें .com होता है, कुछ यूज करते हैं जिनमें हम .edu यूज करते हैं, या कुछ होता है जिसमें .org आता है, किसी में .net आता है, .co, .in आता है, इस टाइप की होती है. तो वो जो है वो जेनरिक डोमेन्स होते हैं, ये उनका जो जनरल पर्पस है, जो उनका बिहेवियर है. अगर हम .com यूज कर रहे हैं, मतलब कि वो कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है. अगर हम .edu यूज कर रहे हैं, मतलब कि हमारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है. अगर हम .gov यूज कर रहे हैं, मतलब उसका कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का है. वो एरो यूज कर रहे हैं, मतलब एयरलाइंस या तो फिर एरोस्पेस कंपनीज के लिए है. हम बिज यूज करते हैं, तो वो बिजनेस या किसी फर्म्स के लिए होते हैं. ओके, हम इन्फो यूज करते हैं, तो वो किस लिए होता है, इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है वो राइट. तो इस तरह से हम जो हमारा जेनरिक डोमेन है उसको यूज करते हैं. देन वी हैव कंट्री डोमेन. सो कंट्री डोमेन क्या होगा, कि अगर जैसे आपने कभी देखा हो वेबसाइट्स में कि .in लिखा हुआ होता है, ओके, या तो फिर .us लिखा होता है, .uk लिखा हुआ होता है, तो वो क्या एब्रीविएशन होती है उस कंट्री के नेम की. जैसे हम अगर IN यूज कर रहे हैं तो वो इंडिया के लिए होता है, या हम अगर .us यूज करें तो वो यूनाइटेड स्टेट के लिए होता है, या अगर हम यूज कर रहे हैं .uk, सो .uk किस लिए होता है, .United Kingdom के लिए राइट. सो ये होता है कंट्री का, जो कंट्री के कैरेक्टर्स को यूज करके हम क्या करते हैं, उसका डोमेन नेम बना देते हैं. देन नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स डोमेन. सो इनवर्स डोमेन में क्या होता है, जैसे कि नेम से पता चल रहा है कुछ इनवर्स है, मतलब उल्टा हो रहा है, वाइस वर्सा हो रहा है. सो डोमेन नेम सिस्टम का क्या काम होता है, कि वो ह्यूमन नेम जो हमने लिया हुआ है उससे हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करता है वो राइट. उस आईपी एड्रेस पे जाके वो वहां से कंटेंट लेकर आता है. बट अब यहाँ पे इनवर्स है, कि आपके पास क्या है, नाम नहीं है, आपके पास आईपी एड्रेस है, आपको जो एड्रेस है वो पता है, तो आप उस आईपी एड्रेस के थ्रू भी उसका नाम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. आप आईपी एड्रेस डालेंगे तो वो आपको क्या करेगा, उसका जो नेम होगा वो आपको रिवर्ट बैक करेगा. सो ये हमारे टाइप्स थे डोमेन नेम सिस्टम के, कि हमारे पास थ्री काइंड ऑफ डोमेन होते हैं, विच इज जेनरिक, कंट्री एंड इनवर्स. सो ये भी हमें समझ आ गया कि जब हम इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं तो उनके जो डोमेन नेम है .com है, .uk है, .us है, .in है, वो किस लिए होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है, और हमें डोमेन नेम सिस्टम की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है, ताकि वो हमारा काम थोड़ा इजी कर दे. हमें कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है तो हम सिर्फ उसका नाम इंसर्ट कराएं, हमें उसका आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन नेम सिस्टम. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.